माणिकपूर पोलीस स्टेशनच्या 3 कॉन्स्टेबल विरोधात 1,55,000 रुपये घेतल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गुटखा विक्रेता भरत यादव यांनी पोलीस आयुक्त सदानंद दाते यांना पत्राद्वारे केली आहे. गुटखा विक्रेता भरत यादव यांनी राहणार भाईंदर पश्चिम येथे माणिकपूर येथील 3 कॉन्स्टेबल विरोधात कॉन्स्टेबल रमेश उगल, राठोड आणि सावंत यांच्या विरोधात 1,55,000 रुपये घेतल्या प्रकरणी मीरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालयातील आयुक्त सदानंद दाते यांना पत्राद्वारे या 3 कॉन्स्टेबल विरोधात अश्लील भाषा, मारहाण व भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी गुटखा विक्रेता भरत यादव यांनी केली आहे. तसंच त्यांनी आमच्याशी बातचीत केली असता ते नेमके काय म्हटले आहेत हे आपण थेट त्यांच्याकडनं जाणून घेऊया. भरत पतिराज यादव पूरा मामला क्या है? पूरा मामला सर ये है कि लॉकडाउन के कारण मेरा थोड़ा सा व्यवसाय खत्म हो गया, बंद हो गया था, तो जिससे घर परिवार चलाने के लिए सर मैं गुजरात से सर तंबाकू लेके आ रहा था. मैं तो 26 तारीख के दिन वहाँ पे 3-4 बंदे खड़े थे पुलिस वाले और वो मेरा वॉच कर रहे थे सर. वॉच कर रहे थे तो नायगांव तक उन्होंने मेरा पीछा किया सर. फिर मैं घर पर आ गया. फिर सर मैं 28 तारीख के दिन गया था, थोड़ा सा सामान लेके आ रहा था, तो मैं सर गाड़ी से 2:17 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे उतरा सर. प्लेटफॉर्म पे उतरने के बाद सर मैं ओवर ब्रिज के ऊपर चढ़ा. मैं था, मेरा भाई था सर, मेरे पास 20,000 का सामान था, तंबाकू ओनली. और मैं भाई को खड़ा करके सर वेस्ट में टिकट विंडो पे गया टिकट लेने के लिए घर आने के लिए. उन्होंने सर 3 नंबर पे पहले से मेरा बैठे थे घात लगा के. उनको ऐसा मिला था कि बहुत बड़ा कि रॉकेट चलाता गुटके का, उस फरियाद में बैठे थे. और मेरे भाई को जैसे सर देखे उन्होंने ओवर ब्रिज पे कॉलर पकड़ के नीचे लेके आए सर. और मैं उनको बोला सर क्या मामला क्या है, उन्होंने मेरे को 2 झपड़ मार के सर टिकट विंडो से घसीट के बाहर लेके गए और रिक्शे में बैठा के सर नौगढ़ चौकी एक बीट आता हूँ उनके एरिया में वहाँ पर लेके गए. और मेरा उन्होंने माल खोला, बोले कि इतने का माल है कि तो क्या करना चाहता है. बोला सर मैं क्या करना चाहता हूँ, लॉकडाउन के साथ मेरी परिस्थिति बहुत ख़राब है सर, मेरा घर परिवार चलाना बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. मेरी बीवी सर एडमिट है, उसको मैं अभी कल ही छुड़ा के लेके आया हूँ. तो उन्होंने सर मेरे को लात से हाथ से मारा और अब सब भाषा वापरा जिसका सर मैं बोल नहीं सकता, उतनी गंदी गंदी बातें उन्होंने किया सर. सर इसके बाद वो उनको माणिकपुर पीट पर लेके गए सर. वहाँ उन्होंने मेरे से सर 2 लाख का डिमांड किया. मैं बोला सर इतना पैसा नहीं हो पाएगा, मैं बहुत दुखी आदमी हूँ, बहुत परेशान हूँ उसका. बोले नहीं, अगर तेरे पास 2 लाख रुपया हो पाएगा तो तेरे को अंदर डालूंगा और तेरी 6 महीना जामीन नहीं होगी. हमारे पास पुड़िया पड़ा है. बोला सर पुड़िया क्या होता है? बोलते हमारा वो कोर्ट वर्क है, उसमें तेरा कम से कम 1 साल तक जामीन नहीं होगा. उन्होंने सर मेरे साथ बदसलूकी की, मारी पीटे. बोले 2 लाख रुपया अगर तू अगर घर से मंगा सकता है 1 घंटे में तो मैं रिस्पॉन्ड करूँगा मेरे सर से, सीनियर से छोड़ने की करूँगा. बोला सर अगर नहीं हुआ तो बोलते हमारी वर्दी की कसम, हम जबान देते तो हमारी जबान पक्का है. उसके कारण मैं मेरी वाइफ को फ़ोन किया सर, मेरे छोटे भाई को फ़ोन किया, उसके बाद मेरा दोस्त को फ़ोन किया, मेरे भाई के साले को फ़ोन किया. मैंने रिक्वेस्ट करके सर कैसे कैसे मेरी वाइफ यहाँ वहाँ से करके 1.5 लाख रुपया 1,55,000 ले गई सर जी सर, जिसमें सर 50-50, 500 की नोटें 1 लाख थी, 2,000 की 50,000 थी और 100 का 200 का 50 का मिला के 5,000 था. 1,55,000 रुपया सर मैं कैसे कैसे करके दिया. देने के बाद वो क्या बोले सर, किसको बवाल नहीं करना, किसको बताना नहीं, तो हम घर से उठा के ले जाएंगे. हमारी छोटी मोटी में बहुत ताकत है. उसकी शिकायत किधर किधर? उसकी सब शिकायत मैंने दाते साल से की, मैंने उन्हें गुहार लगाई, लेटर दिया है सर, अभी तक मुझे कोई इंसाफ नहीं मिला सर. मेरा कहने का मतलब है किसी गरीब भाई के साथ ऐसा ना हो सर. आगे क्या मांगे सर? मुझे मेरा इंसाफ मिलना चाहिए, रिक्वेस्ट मिलना चाहिए कि कोई गरीब भाई मजदूर आदमी मरे ना इन लोग के साथ में सर. ये बोलते हमारे वर्दी में बहुत बड़ी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं सर. मेरी फरियाद है मुझे इंसाफ मिले. मेरे उसके टेंशन में मेरी बीवी फिर बीमार पड़ गई सर, ट्रीटमेंट चालू है. मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, पैर तक पकड़े सर, लेकिन मुझे वही शब्द आया गाली गलौज मारना और पुड़िया डाल के अंदर कर दूंगा, फिर 1 साल जामीन नहीं होगी. ये है यानी जो उनके मुँह में आया सर बके. तो मेरा अनुरोध है सर मुझे न्याय मिलना चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे न्याय मिलना चाहिए.